आज हम आए हमारे एसएस नीलेश पवार जी के यहाँ, जिनका ग्राम है कानों का, जिला है सागर, मध्य प्रदेश। आज हम यहाँ पे करेंगे मसूर दाल की प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले हमने कच्चा माल डाल लिया है, ये हमारा ग्रेडर जिसमें हम अपना कच्चा माल डालेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे तीन जगह से हमारा जो है वो कच्चा माल अलग अलग ग्रेड में निकलेगा। देखिए सबसे पहले ये है हमारा जो सबसे पहला ग्रेड आएगा। ये जो हमारा सबसे बेस्ट ग्रेड है, इसमें कुछ बड़ा कचरा भी निकल जाता है, ये हमारा सबसे बेस्ट ग्रेड है। उसके बाद ये है हमारा, ये है दूसरा ग्रेड, और ये है फिर जिसमें हमारा सबसे स्लिम है, दूसरा वाला जिसमें हमारा सबसे छोटा दाना निकलेगा। चलिए देखते हैं अब हमारा स्टेप टू, जो कि हमने ग्रेडिंग की थी, और ग्रेडिंग का जो हमारा पहला वाला जो ग्रेड निकला था उसको अब हमने प्रोसेसर में डाला है। ये हमारा प्रोसेसर या इसे क्या रोलर बोलते हैं, रोलर, ये देखिए। इसमें कुछ 10-15% दाल का छिलका, 20% दाल का छिलका पहली बार में उतर जाता है। इसमें से निकल रहा हुआ है वो दाल जो टूट चुकी है, और इसमें से जो दाल नहीं टूटी है वो ये निकल रही है। ये है हमारी प्रोसेसिंग होने के बाद, रोलर से निकलने के बाद ये हमारी फाइनल प्रोसेसिंग, जिसमें हम पॉलिशिंग करेंगे हमारी जो मसूर दाल थी। ये देखिए, ये डिब्बे के थ्रू ये 1 सेकंड में 2-3 बूंद के आसपास पानी गिर रहा है। ये हॉपर में हमने जो हमारा छिलका उतरा हुआ दाल था वो डाला है। ये पॉलिश होने के बाद ही हमारी मसूर दाल, ये बाकी कुछ कचरा है जो दाल में रह गया है वो यहाँ से निकल आएगा।